हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिमी। आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी की पेंटिंग। इस पेंटिंग को इजीली आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पे बना सकते हैं। इस पेंटिंग को करने के लिए मैंने राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। अगर आपके पास राउंड ब्रश है और फ्लैट ब्रश नहीं है और आप फ्लैट ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है पेंटिंग करने में, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ राउंड ब्रश यूज़ करके ये पेंटिंग पूरा कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें साड़ी के राइट साइड पे आउटलाइन कर लेना है पेंसिल से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट एक्रेलिक कलर। ब्रश के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। बट राउंड ब्रश में थोड़ी स्लो होती है काम, जितना फ्लैट ब्रश से जल्दी हो जाता है। अब इस डिज़ाइन के लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 4 नंबर राउंड ब्रश। अब अपने पसंद के कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी साड़ी के कलर के अकॉर्डिंग यहां भी मैं फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। नीचे इस डिज़ाइन के कलर अच्छे से सूख जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही ऊपर की ड्राइंग करना है हमें, नहीं तो कलर हाथ पे लग जाएगी और हाथ से फिर साड़ी के ऊपर। ऐसे ही सेम डिज़ाइन हमें साइड पे भी कर लेना है। अब इसके अंदर हमें स्काई ब्लू एक्रेलिक कलर यूज करना है। मैं यह फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। अब ब्रश के बैक साइड पे कलर लेके हमें ऐसे बड़े बड़े बिंदी की तरह हमें सर्कल करना है। मैं यह सिरुलियन ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। अब सेम कलर हमें यहाँ भी, इस डिज़ाइन को हमें सेम कलर से ही करना है। लीव्स की तरह इस डिज़ाइन को मैं सेम कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर इस गैप के अंदर। अब ब्रश के बैक साइड पे कलर लेके भी ये छोटे छोटे स्मॉल राउंड कर सकते हैं। अब ऐसे व्हाइट के ऊपर हमें ऐसे आउटलाइन करना है। आउटलाइन के बाद ये डिजाइन और भी खूबसूरत लगेगी। बट इसको करने में आपको थोड़ी सी टाइम चाहिए। अब यहाँ भी हमें ऐसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से आउटलाइन करना है। इसके अंदर भी हमें करना है।
अब इसके आउटसाइड पे भी हमें करना है। अब दो साइड पे सेम डिज़ाइन के बाद हमें साड़ी के एकदम दो डिज़ाइन के सेंटर पे हमें इस डिज़ाइन को करना है। मैं पहले पेंसिल से आउटलाइन करके फिर कलर यूज़ कर रही हूँ एकदम परफेक्ट होने के लिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन येलो एक्रेलिक कलर। जैसे वह लीव्स की पेंटिंग की थी हमने, यहाँ सेम बट ये उल्टा साइड, मतलब जैसे वह पॉइंट हमें बाहर था ऐसे यहाँ नहीं है। ऐसे पॉइंट को हमें अंदर करते हुए पेंट करना है। अब मैं आउटलाइन के लिए यूज कर रही हूँ सेम ब्लैक एक्रेलिक कलर। जैसे हमने पिछले की थी सेम डिज़ाइन को यहाँ भी करना है। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक बटन को प्लीज़ प्रेस कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ऐसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से हमें आउटलाइन भी करना है। अब यहाँ से लाइन करके हमें लाइन ड्रॉ करके फिर एकदम सेंटर पे हमें इस फ्लावर को पेंटिंग करना है। यहाँ भी मैं लेमन येलो एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। इस फ्लावर को आप ऑल ओवर साड़ी की बॉडी पे भी कर सकते हैं और सेंटर पे होगा ब्लैक। अब हमें यहाँ भी साइड पे आउटलाइन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू।